सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है कारक प्रकरण, जिसमें हम करने जा रहे हैं अपादान कारक। और अपादान कारक में लगती है पंचमी विभक्ति। कुछ सूत्र हमने कर लिए थे, कुछ आज कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि पहला सूत्र क्या है। आज हमारा पहला सूत्र है वाणार्था नाम इप्सितः, वारण अर्थ वाली धातुओं में इप्सितः, जो इप्सित है, जिसको हम चाह रहे हैं उसकी अपादान संज्ञाओ। ये सूत्र कैसा है? अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। अच्छा, वारण का क्या अर्थ है? वारण अर्थ वाली धातु, तो वारण किसको कहते हैं? प्रवृत्ति विधातो वारण, प्रवृत्ति किसी काम में लगा हुआ विधात, उसमें कोई रुकावट आ जाना, किसी काम में लगना और उसमें रुकावट आना वारण कहलाता है। सीधा सा अर्थ है रोकने अर्थ में, उस काम से हटाने के अर्थ में रोकने अर्थ वाली धातु है। वारण अर्था नाम धातु नाम प्रयोगे, वारण धातु का प्रयोग हो या रोकने अर्थ में कोई और धातु हो, उनके प्रयोग में इप्सितो अर्थो अपादानम स्यात्, जो इप्सित अर्थ है, जिसको हम चाह रहे हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण से समझ लेते हैं। यवेभ्यो गाम वारे, गाम गाय को वारयति, हटाता है, दूर करता है, किससे? यवेभ्यो फसलों से, जो भी कह सकते हैं, फसल भी कह सकते हैं, जो से या फसल से गाय को हटाता है, वारण अर्थ वाली धातु हो गई। गाय को हटा रहा है, किससे हटा रहा है? हमारे लिए इप्सित क्या हम चाहते हैं? किसको? फसलों को चाह रहे हैं, जो को चाह रहे हैं, तो जिसको चाहते हैं, जो हमारे लिए इप्सित है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। वारण अर्थ नाम इप्सित, इस सूत्र से इसकी अपादान संज्ञा किसकी होगी? यव शब्द की अपादान संज्ञा हुई है, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई है, क्योंकि इप्सित हमारे लिए फसल है, यहाँ पे जो है गाय ने गाय को हटाया जा रहा है। अगला सूत्र है हमारा अंतर्धौ येन दृष्णम इच्छति। अंतर्धौ, अंतर्धौ होता है कोई व्यवधान आ जाना, कोई दीवार इत्यादि, कुछ हमारे आंखों के सामने कोई रुकावट आ जाए, व्यवधान आने पर, व्यवधाने सति, व्यवधान आने पर येन, जिससे अदृष्णम इच्छति, जिससे अदृष्ण की चाहना होती है, उसमें व्यवधाने सति यत् कृतिकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम् इच्छति तत् अपादानम् स्यात्। उसकी अपादान संज्ञा होती है किसके? व्यवधान आने पर, जिससे खुद को छिपाना चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण से इसको समझेंगे, जैसे मातु नीरियते कृष्ण, कृष्ण जो है मातु माँ से छिपना चाहता है, कृष्ण माँ से छिपना चाहता है, कौन अदृश्य चाह रहा है? अपना अदृश्य करवाना, कृष्ण अदृश्य का अर्थ है छिपना। व्यवधान क्या है? कोई दीवार आदि की ओट है, कोई व्यवधान है हमारे आगे, उसके पीछे कृष्ण किससे छिप रहा है? माँ से। जब कर्ता खुद को छिपाना चाहता है, लेकिन जिससे छिपाना चाह रहा है उसकी अपादान संज्ञा होती है, कृष्ण माँ से छिपता है, कृष्ण खुद को छिपा रहा है, खुद का अदृश्य चाहता है, किससे चाहता है? माँ से। तो जिससे अदृश्य चाहता है, चाहा जा रहा है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पे इच्छति क्या है? चाहता है, अदर्शन चाहता है, लेकिन दर्शन हो भी जाए तब भी अपादान संज्ञा ही होगी। लेकिन जब ये कहते हैं कि चोराद न दृक्षते, चोर से या दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पे क्या कि हम चोर से छिपना चाह नहीं रहे हैं, बस चोर को देखना नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते कि चोर हमें देख ले, तो ये क्या है? जब कोई जो कोई करता है वो अपने आप को छिपाना चाह रहा है किसी व्यवधान के आ जाने पर, कोई दीवार इत्यादि व्यवधान होने पर, और उसके बावजूद देख भी लिया जाए तब भी अपादान संज्ञा रहती है, और व्यवधान के होने पर जब खुद को छिपाने का अभाव होता है, जिससे होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति। मूल शब्द है मात्री। अगला सूत्र हमारे अख्यातो उपयोगे, अख्यात की उपयोग में, उपयोग होते हैं नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे, जब कोई नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने वाला होता है, और अख्यात होता है वक्ता पढ़ाने वाला, कोई शिष्य है जिसने नियम पूर्वक विद्या को स्वीकार किया कि वो रेगुलरली आ रहा है विद्या ग्रहण करने के लिए, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, रेगुलर हमारे लेक्चर लगते हैं, तो वो होता है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। ये नहीं कि जिस दिन मेरा मूड बना
मैं उस दिन कहीं कुछ सुनती हूँ, जिस दिन नहीं मन करता उस दिन नहीं सुनती हूँ, तो ये नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना नहीं है। यहाँ पे उपयोग का अर्थ है नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे। जब नियम पूर्वक विद्या का स्वीकार किया जाना भाव प्रकट हो रहा है, तब अख्यात, जो अख्यात है, अख्यात क्या है, जो पढ़ाने वाला है, प्रवक्ता है, वक्ता, उस वक्ता की प्राक संज्ञा, उसकी पहले वाली संज्ञा हो, जो संज्ञा, किस संज्ञा की बात करें हम, अपादान संज्ञा, यानी कि जो प्रवक्ता है, जो पढ़ाने वाला है, जो अध्यापक है, उसकी क्या हो, अपादान संज्ञा हो, इस उत्तर से हो, उपाध्यायात् अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, किससे पढ़ता है, उपाध्याय से, तो जिससे पढ़ रहा है उसकी अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार कर रहे कोई शिष्य किससे कर रहा है, उसको पढ़ाने वाला कौन है, उपाध्याय है, जो पढ़ाने वाला, जो प्रवक्ता है, जो वक्ता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, उपाध्याय की अपादान संज्ञा, और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति। अब जैसे ये कह रहे कि मैं किसी नट का कोई गाना सुनती हूँ, कोई कथा सुनती हूँ, तो नटस्य, कोई गाथा सुनती हूँ, गाथा, तो नटस्य गाथा शृणोति, तो यहाँ पे कि नट की गाथा सुनती हूँ, तो ये मेरा कोई रेगुलर काम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, पंचमी विभक्ति नहीं होगी, अपादान संज्ञा नहीं होगी, नटस्य गाथां शृणोति। अब यहाँ तो क्या है, मेरा मन किया तो किसी दिन गाथा को सुना, मन नहीं किया तो नहीं सुना, ये नियम पूर्वक कार्य नहीं हो रहा था, इसलिए नट जो गाथा सुनाता है इसकी, इसमें क्या है, इसकी अपादान संज्ञा नहीं हुई है। जब नियम पूर्वक कार्य हो रहा होता है वहां पे जो वक्ता होता है उस वक्ता की अपादान संज्ञा होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये तीनों ही सूत्र क्या हमारे अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र है। वारण अर्थानाम इप्सिता, वारण अर्थ वाली धातु के प्रयोग में, वारण धातु या फिर वारण अर्थ वाली कोई भी हटाने अर्थ में कोई भी धातु हो, उनके प्रयोग में जो उपस्थित है, जिसको हम चाहते हैं उसकी अपादान संज्ञा होगी, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति। तो ये क्या है, संज्ञा विधायक सूत्र है, अपादान संज्ञा करने वाला। अंतर्ध्यो येन अदृष्टम इच्छति, जिससे, किसी व्यवधान के आने पर जिससे छिपना चाहता है, जिससे छिपना चाहता है, जिससे जो है उसमें अपादान संज्ञा और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति, ये भी क्या है, अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। अख्यात उपयोगे, जब नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है तो उसमें जो विद्या देने वाला है, जो वक्ता है, जो उपाध्याय है, जो बोलने वाला है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। तो ये आज का हमारा प्रकरण था, धन्यवाद।